एक बार मैं एरोप्लेन से जा रहा था, आसमान में थे हम, लेकिन बाजू की सीट में एक नवाब साहब बैठे, वो भी कोई 90 साल के। मैंने कहा, नवाब साहब कहाँ जा रहे हैं? अमा खां भाई मियाँ, हम लड़की देखने जा रहे हैं। अरे, मैंने कहा, आप लड़की देखने मतलब बहू को ढूंढने जा रहे हैं? बोले, लाहौल वाला कुंवर मियाँ, हम अपनी बेगम को ढूंढने जा रहे हैं। भाई, मैंने कहा, बेगम मतलब आपकी शादी नहीं हुई? बोले, दो दो हुई थी। मैंने कहा, वो कहाँ हैं? बोले, अब तो नहीं रही। मैंने कहा, नहीं रही इसका मतलब आप बेवा हो गए? बोले, यार खां, बेवा तो औरतें होती हैं मियाँ, हम यतीम हो गए। और नवाब साहब, मैंने कहा, एक बात बताओ, आपकी जो पहली अहलिया थी, पहली बीवी थी, वो कैसे मरी? क्या बताएं मियाँ, वो जहर खा के मर गई। और मैंने कहा, दूसरी वाली? बोले, जहर नहीं खा रही थी। उनको नवाब साहब ने निपटा दिए। तो मैंने कहा, अब क्या इरादा है? बोले, बेटा मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी लड़की हो तो देख। मैंने कहा, आप 90 साल के हैं, लड़की तो मिलेगी नहीं। नहीं बेटा, कोई बेवा देख दे, 90 साल की देख दे। मैंने कहा, नवाब साहब, 90 साल की तो कोई खातून मिलेगी नहीं, 45-45 साल की दो चलेंगी? अरे नवाब साहब तो खुश हो गए। बोले, बेटा तूने तबीयत खुश कर दिया, वैसे देख एक ही से करा, कोई बेवा भलाई हो चल जाएगी। मैंने कहा, नवाब साहब ऐसी गलती मत करना, आप तो शादी कुंवारी से ही करना, 2-4 दिन में बेवा अपने आप हो जाएगी। नवाब साहब तो एरोप्लेन से ही कूद गए। आइए मैं 2 लाइन फिर बुजुर्गों पे सुनाता हूँ। कौन कहता है कि बुढ़ापे में जवानी नहीं होती, ये और बात है, उन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती।